गुंडागर्दी बर्दाश्त करना चाहिए। सर, जिस प्रकार से कि एक ऑडियो वायरल हो रही है जिसमें एक पत्रकार साथी को अभद्र तरीके से गालियां दी जा रही है, उनको मारने की धमकी दी जा रही है, उस विषय में आपका क्या कहना है? बात यह है कि कल से वो वायरल हो रही थी ऑडियो, और उसके बारे में मैंने देखा भी, सुना भी जी। और पत्रकार है वो देश का चौथा स्तंभ है, ऐसे अभद्र भाषा का प्रयोग पत्रकार के खिलाफ नहीं करना चाहिए जी। जो भी भाई करता है वो गलत कर रहा है, हम पत्रकार के साथ हैं, और हम नहीं, हमारी पूरी टीम पत्रकार के साथ है। सर, जिस प्रकार से कि जो अभद्र तरीके से बातें करते नजर आ रहा है जो ऑडियो में, तो वो अपने आप को किसी ना किसी कार्यकर्ता बता रहा है, किसी ना किसी नेता का, उसमें भी आपने सुना होगा, फिर वो थोड़ी देर बाद में फिर सभी नेताओं को अपना नेता बताने लग जाता है, उस विषय में आपका क्या कहना है कि वो पहले वाले का था या फिर उनका बीच बचाव कर रहा है? देखो, पहले तो उस नेता के, जिस नेता के बारे में बोल रहे हैं ना जी, का पक्ष लेके उसी नेता को समझाना चाहिए कि भाई ऐसे तरीके से किसी आदमी को, पत्रकार को परेशान नहीं करना चाहिए। अगर वो नहीं समझा रहा तो मेरी तरफ से वो कहीं ना कहीं वो नेता ही गलत है जी। उसमें जो दो अन्य नेताओं को फिर वो बोलता है कि भाई वो भी हमारे हैं, उस विषय में आपका क्या कहना है? वो कहीं पर्दा गिरने का तो काम नहीं कर रहा था उस बात पे? मेरे ख्याल से तो ये है, पर्दा गिरने का काम गिर रही, अंदरगढ़ में गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।